क्या गाइज आपको 200 रुपए के अंदर एक ब्रांडेड एंड बेस्ट क्वालिटी की ईयरफोन चाहिए तो गाइज ये वीडियो आपके लिए है। और अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि हम ऐसी वीडियोस जब भी पोस्ट करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो गाइज लुक एट दिस, दिस इज द बॉक्स ऑफ यूबॉर्न मोबाइल ईयरफोन एंड लुक एट दिस, यहाँ पे लिखा हुआ है बिग डैडी बेस। ओके देखते हैं आगे बेस होगा या नहीं। और गाइज लुक एट दिस, ये कॉम्पैक्ट सा बॉक्स है, आपको मैं हाथ पे रख के दिखाता हूँ। ये देखिए छोटा सा बॉक्स है। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स अनबॉक्स। सो इसे यहाँ से कट कर लेते हैं। 1 2 3 ओके ऑल राइट, इसे ओपन करते हैं फिर यहाँ से। ओके ऑल राइट, इसे निकालते हैं। ओ सो गाइज सबसे पहले हमें बॉक्स के अंदर ये पॉलीबैग मिल जाता है जिसके अंदर ईयरफोन्स एंड सो ऑन चीजें होंगी। सो गाइज इसे भी अनरैप करते हैं और यहाँ से निकालते हैं। 1 2 3 ओ ये सबसे पहले हमें यहाँ पे क्लिप मिल जाती है जो कि बहुत ही अच्छी एंड रिलायबल सी लग रही है, बहुत ही सॉफ्ट काम करेगी एंड स्ट्रांग भी है। गाइज नेक्स्ट है हमारे पास ये ईयरफोन, इसे यहाँ से खोलते हैं जल्दी से। सो गाइज यहाँ पे हमें गोल्ड प्लेटेड 3.5 mm जैक मिल जाता है जो कि अच्छी बात है। सो गाइज लुक एट दिस, हमें ईयरफोन के बीच में उसकी ब्रांडिंग एंड टैक्टाइल बटन मिल जाता है रेड कलर का। और गाइज बैक साइड में आपको यहाँ पे माइक मिल जाता है जिससे कि आप कॉल पर बात आराम से कर सकते हैं। सो गाइज ये जो बटन है काफी टैक्टाइल है, लुक एट दिस, शायद आपको आवाज पहुंच रही होगी, काफी अच्छा है, मतलब टैक्टाइल है, मजा आ गया इसको देख के। इस बटन से आप कॉल रिसीव एंड कट कर सकते हैं और म्यूजिक को प्ले एंड पॉज कर सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली गाइज यहाँ पे आपको वॉल्यूम बटन देखने के लिए नहीं मिलते हैं। सो गाइज लुक एट दिस, ये है ईयरफोन्स यूबॉर्न की और आप देख सकते हैं इसका जो डिजाइन है काफी अच्छा है। और बैक साइड में गाइज यूबॉर्न का लोगो एम्बोज हुआ हुआ है, लुक एट दिस। एंड दिस अगर फ्रंट में जाएंगे तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट में एम्बोज हुआ हुआ है, दोनों ईयरफोन्स पे यहाँ पे लेफ्ट भी एम्बोज किया गया है, लुक एट दिस। सो गाइज यहाँ पे जो ईयरबड्स की क्वालिटी है डिसेंट है। और गाइज यहाँ पे ईयरबड्स की बात कर लूँ गाइज इनके, तो गाइज अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अगेन आपको एक्स्ट्रा ईयरबड्स बॉक्स में देखने के लिए नहीं मिलते हैं, आपको इन्हीं से एडजस्ट करना पड़ेगा। और गाइज ये जो ईयरबड्स हैं ये आपको मीडियम साइज के मिल जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा कोई मैटर है ईयरबड्स के ऊपर, बट हाँ अगर आपके कान थोड़े छोटे या बड़े तो आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, गाइज जो इसकी वायर है वो भी अच्छी क्वालिटी की है और गाइज जो इसकी ईयरफोन्स हैं वो भी अच्छी क्वालिटी की हैं। और गाइस एक चीज मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो गाइस ये है कि इसमें आपको जो क्लिप है वो अलग से आपको मिलती है, वायर के अंदर लगी हुई नहीं मिलती है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर आपको क्लिप की नीड है तो आप क्लिप लगा सकते हैं और अगर नहीं है तो आप उसे हटा भी सकते हैं। सो फाइनली गाइस अब बात कर ले इसकी म्यूजिक क्वालिटी की। सो गाइस इसकी जो मिड्स हैं वो एवरेज है, नियर बाय एवरेज है, बट गाइस अगर इसके हाइज की बात करूं मैं वो मुझे अच्छे लगे, इसके ट्रैबल्स भी अच्छे हैं। और गाइज अगर मैं बात करूँ इसके बेस की, तो गाइज ये ईयरफोन बेस ओरिएंटेड ही बनाई गई है। जब भी आप कोई भी म्यूजिक या सॉन्ग सुनते हैं तो गाइज आपको ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड में कहीं से बेस आ रहा है, तो गाइज ये ईयरफोन बेस ओरिएंटेड बनाई गई है। गाइज अगर इसके वोकल्स की बात करूँ तो गाइज वोकल्स मुझे अच्छे लगे, क्लियर लगे। और गाइज मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 200 रुपए के अंदर हमें एक बेस्ट ईयरफोन मिल सकती है। सो गाइज अगर आपको उसका परचेज करना हो तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीजें मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, आप जाके वहां से बाय कर सकते हैं। गाइस जब भी हम इस ईयरफोन को वेयर करते हैं तो गाइस ये बहुत ही अच्छी तरीके से कानों में फिट हो जाती है, इंस्टेड ऑफ कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ईयरबड्स नहीं मिलते हैं, बट फिर भी इसका जो साइज है एकदम डिसेंट है। लुक एट दिस कि मैं इस बिल्कुल हिला रहा हूँ, ये नहीं निकल रही है, तो इसका जो साइज है वो डिसेंट है और बहुत ही अच्छी तरीके से फिट हो जाती है। गाइस 200 रुपए के अंदर मुझे इस ईयरफोन में दो चीजें बहुत अच्छी लगी, यानी कि जितने हंड्रेड्स हैं उतनी चीजें अच्छी लगी। जस्ट किडिंग गाइस, पहली चीज है इसकी क्वालिटी। गाइस क्वालिटी एकदम अच्छी है, ऐसा कहीं से भी लगता कि आपने 200 रुपए की ईयरफोन कहीं से बाय की हुई है, बिल्कुल भी चीप नहीं है। इसकी जो क्वालिटी है वो बेस्ट है, वायर की भी एंड ओवरऑल ईयरफोन की भी। और गाइस दूसरी चीज मुझे अच्छी लगी कि 200 रुपए के अंदर क्वालिटी आपको मिलती मिलती है, बट गाइस म्यूजिक क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं मिलेगा। इसकी जो ओवरऑल क्वालिटी है वो एवरेज है, अच्छी है। अगर 200 रुपए के अंदर आप कोई भी ईयरफोन लेना चाहते हैं तो गाइस मेरा फुली रिकमेंडेड है कि आप इस ईयरफोन को परचेज करें। सो गाइस अगर आपको कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट में लिख के जरूर से बताइएगा। अगर इस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लव यू गाइस।